हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। आज मैं आपको बताऊँगी रस वाला चिकन कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, एकदम नए तरीके से। आज मैं आपको बताऊँगी चिकन कैसे बनाएं। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया चिकन। चिकन को मैंने पानी से अच्छी तरीके से साफ कर लिए। अब हम इन्हें उबालेंगे। मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया है एक बड़ा चम्मच ऑयल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें अपने चिकन और इनको फ्राई करेंगे। हम डाल देंगे इसमें अपने चिकन। मैंने इसमें अपने चिकन डाल दिए। हम चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इन्हें फिर फ्राई करेंगे हम। हम डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और डाल देंगे हम इसमें हल्दी। हम हल्दी और नमक को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हम अपने कुकर का ढक्कन लगा के इसको रख देंगे। जब हमारी सीटी लग जाएगी तो हमारे जो चिकन है वो उबल जाएंगे। और साथ ही में हमें अपनी गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मैंने यहाँ पे ले लिए लाल मिर्च, लहसुन, प्याज और अदरक। मैंने अदरक प्याज लहसुन को छील लिए है। हम इन सबको काट कर और मिक्सी में पीस लेंगे। हमारे चिकन अब उबल चुके हैं। मैंने यहाँ पे सभी चीजों को अलग अलग पीस लिया। ये मैंने पीस लिया लहसुन, ये है अदरक और मिर्ची का पेस्ट और मेरा प्याज का पेस्ट और ये ले लिया है मैंने तेज पत्ता। साथ में मैंने यहाँ पे ले लिए दो बड़ी इलायची, लौंग। मैंने यहाँ पे ले ली है काली मिर्च, दालचीनी। हम डाल देंगे इसमें दो बड़ा चम्मच सरसों का तेल। हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता। हमने डाल दी इसमें दालचीनी, छबीला जिसे हम खड़ा गरम मसाला कहते हैं, काली मिर्च, लौंग और डाल देंगे इसमें बड़ी इलायची और उसके दाने। हम सब चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। मिर्ची और अदरक का पेस्ट। अपनी पीसी हुई प्याज। सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अपने मसालों को अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। ले लिया है धनिया पाउडर। मैंने 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। हम इसमें डाल देंगे पानी। सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला ले लिया है। अगर आप सभी मसालों को पहले पानी में मिला लेते हैं अच्छी तरीके से तो जो हमारी सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, साथ में इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। हमारी जो प्याज है और बाकी पेस्ट है वो भून चुके हैं। हम इसमें अपना मसाला डाल देंगे और डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी, जिससे हमारा सभी मसाला अच्छी तरीके से पक जाए। हम सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। हमें नमक का ध्यान रखना है क्योंकि हमने जब अपने चिकन के पीछे उबाले थे तब भी नमक डाला था और अब हमने सब्जी बना रहे हैं तो भी नमक डाल रहे हैं। हमारा सभी मसाला अच्छी तरीके से पक चुके हैं। हम डाल देंगे इसमें अपने चिकन के पीसेस। हमने इसमें अपने चिकन के पीसेस डाल दिए हैं। मसालों के साथ चिकन के पीसेस को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
हम डाल लेंगे इसमें एक गिलास पानी। चिकन और पानी को मिक्स कर लेंगे हम। हम डालेंगे इसमें चिकन मसाला, और मसाले को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे हम। हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, फिर हमारा जो चिकन है वो बनके तैयार हो जाएगा। हमारी चिकन की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। कमेंट करके बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार वीडियो और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आगे, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।